तो फेल गेम फैमिली माजियम मोड के एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सुन सुन के भाई पक गए होंगे, लेकिन सही में आप लोग इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो ना माजियम मोड को कि बिना मैं थैंक यू बोले रह ही नहीं सकता। इसलिए फेल गेम फैमिली एक बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसी तरह अपना प्यार आप लोग बनाए रखो। और आज की गेम प्ले में भी ना हम लोग 15 के लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो अगर आपको कल भी जीएम मोड की वीडियो चाहिए तो एकदम फटाफट फेल आर्मी वीडियो को लाइक करो और ये जो 15 के लाइक्स का टारगेट है इसको जल्दी से कंप्लीट कर दो। उसके बाद तो मतलब तुरंत माय जीएम मोड का नया एपिसोड आ जाएगा। तो लास्ट वाले एपिसोड के बाद सिर्फ एक हफ्ता बचा है समर स्लैम के लिए, यानी कि ये लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है समर स्लैम से पहले। तो मेरे फेवरेट जॉन सीना को मैंने वादा किया है कि उनको मैं इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रखूंगा। और ट्रिपल एच ने इस हफ्ते कमिश्नर गोल दिया है कि जो मेरा सबसे कम पॉपुलर स्पेशलिस्ट सुपरस्टार है ना, उसका मैच मैं इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रखूं। अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी थी लास्ट एपिसोड में कि मैं समर स्लैम के लिए बहुत ही खुराफाती प्लान बना रहा हूं, तो इसलिए आज हम लोग शो बुक नहीं करेंगे। पहले आज हम लोग पावर कार्ड यूज करेंगे और मेरे राइवल ब्रांड की यानी कि एनएक्सटी और रॉ की बैंड बजाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा डबल कॉस्ट पावर कार्ड एनएक्सटी के ऊपर, यानी कि जब समर स्लैम में एनएक्सटी 20,000 का मैच बुक करेगा ना तो उसे डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं भी अनुराधा का भाई बन गया हूँ, एक का डबल करवाता हूँ भाई। और अगर आपको भी बाबू भैया की तरह एक का डबल करवाना है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं हूँ ना। और ये दूसरा पावर कार्ड भी एनएक्सटी के ऊपर ही यूज करूंगा, वीटो चैम्प। तो एनएक्सटी समर स्लैम में अपने एक चैंपियन को बुक नहीं कर पाएंगे, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एनएक्सटी के ऊपर दोनों पावर कार्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि एनएक्सटी मेरे ज्यादा करीब है। मंडे नाइट रॉ तो मुझसे बहुत ज्यादा फैंस में पीछे है, लेकिन एनएक्सटी करीब आने की कोशिश कर रहा था, अब नहीं करेगा। तो ये दोनों पावर कार्ड अप्लाई होंगे भाई समर स्लैम में, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो चलिए आज का शो बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर को नेक्स्ट वीक का बदला लेने का मौका मिल रहा है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस लोगन पॉल टेबल्स मैच। और मेरा आज भी मेन गोल है ज्यादा पैसे कमाना, रेटिंग ठीक ठाक भी आ जाएगी तो काम चला लूंगा। तो अब जो आज का नेक्स्ट सेगमेंट होगा ना, उसमें सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन को कॉल आउट करेंगे, यानी कि कॉडी रोड्स को। तो सेथ आ जाओ भाई, कॉल आउट करो कॉडी के साथ, अपनी दुश्मनी बढ़ाओ समर स्लैम से पहले। समर स्लैम में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को एक बार फिर से मौका मिलेगा कॉडी रोड से टाइटल जीतने का। नेक्स्ट मैच है आज का वीर महान वर्सेस रिटर्निंग रे मिस्टीरियो, क्योंकि रे सर की इंजरी खत्म हो गई है और रे रिटर्न आ चुके हैं। वन हाफ टैग टीम चैंपियन बुयाका 619 और करंट हॉल ऑफ फेमर, इन दोनों का नॉर्मल मैच रखेंगे क्योंकि पैसे बचाने, एक चैरिटी प्रोमो, क्योंकि ऐसा नहीं है फैंस भी कमाने। पता चला फैंस में पीछे हो गया, ज्यादा आगे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रॉ और एनएक्सटी पीछे नहीं कर सकता है। तो इस हफ्ते में जेउसो का कोई मैच नहीं रखने वाला हूं, तो ठीक है जेउसो चैरिटी प्रोमो कट करेगा भाई। और तीसरा मैच, अच्छा ट्रिपल एच का गोल है मेरा सबसे कम पॉपुलर स्पेशलिस्ट सुपरस्टार कौन है, नटालिया, क्योंकि नटालिया स्पेशलिस्ट है और उनकी पॉपुलैरिटी 68 है। कमिश्नर गोल पूरा हो गया है, लेकिन दिक्कत ये कि नटालिया का मैच ना रोंडा रोजी के साथ नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी कूलडाउन पे है, रेटिंग बहुत खराब आने की चांसेस है। तो अब लगता है कि फाइनली टाइम आ गया एक नई फीमेल रोस्टर को लाने का, एलेक्सा ब्लिस 2,43,000, यहाँ पर भी मेरे औकात से बाहर है। चलो ठीक है, कोई हील सुपरस्टार ब्रूजर में मिल जाए ना तो काम चल जाए। अरे निकी बेला फेस सुपरस्टार है और कुछ ज्यादा ही महंगी है। स्टेसी कीबलर ठीक लग रही है क्योंकि स्टेसी कीबलर 48,000 में प्लस की लेजेंड भी है तो पॉपुलैरिटी अच्छी ही है, और 48,000 में 5 हफ्ते के लिए मिल रही है। मैं निकी बेला को लेता लेकिन निकी बेला बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो 2023 की हॉल ऑफ फेमर स्टेसी कीबलर 48,000 में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में 5 हफ्ते के लिए आपका स्वागत है। नटालिया को तो बुक करना ही है अगर ट्रिपल एच का गोल कंप्लीट करना है, तो इसलिए ट्रिपल थ्रेट कर रहे हैं तीनों लड़कियों के बीच में, नटालिया वर्सेस रोंडा रोजी वर्सेस स्टेसी कीबलर। लेकिन अभी भी दिक्कत वही हो गया, राइवलरी ऑन कूलडाउन लिखा हुआ है, मुझे लगा था शायद ट्रिपल थ्रेट में ना लिखा हुआ है। अरे भाई तब तो दिक्कत ही है। और ट्रिपल एच का गोल मैं इसलिए कंप्लीट करना चाह रहा हूं ना क्योंकि देखो हॉल ऑफ फेम की ट्रॉफी चाहिए ना, तो ट्रिपल एच का 12 गोल कंप्लीट करना होगा। मैंने शायद 7 या 8 गोल कंप्लीट किया है, तो और कोई फीमेल सुपरस्टार भी नहीं मेरे नजर में। फीमेल सुपरस्टार्स मतलब बहुत ही ज्यादा कम अवेलेबल है, देख रहे हो 3 या 4 मैक्सिमम। और लीटा हील है लेकिन लीटा क्रूजर वेट सुपरस्टार है, तो नटालिया के साथ वो मैच नहीं करेगी। तो अब ना चाहते हुए नटालिया वर्सेस स्टेसी कीबलर करना होगा मुझे 1-on-1। भले ही दोनों फेस सुपरस्टार है लेकिन आई थिंक कि ये दोनों संभाल लेंगी, फेस वर्सेस फेस नहीं करना चाहिए, रेटिंग कम आ जाती है। पर क्योंकि स्टेसी कीबलर लेजेंड है इसलिए चांसेस है कि अच्छा रेटिंग आ सकता है। तो इसके बाद एक और चैरिटी प्रोमो और उसके बाद मेन इवेंट क्या रखना है वही मैं सोच रहा हूँ। रोंडा हील सुपरस्टार है लेकिन रोंडा को मैं सोच रहा हूँ चैरिटी प्रोमो इस हफ्ते कट करने दो, ठीक है। मेन इवेंट में जॉन सीना को रखना है, वादा किया है, तो ट्रिपल थ्रेट कर सकते हैं। जॉन सीना और जिमी उसो की दुश्मनी चल रही है और इस दुश्मनी के बीच में रेटेड आ सुपरस्टार एज को भी डाल देते हैं,
जो कि आईसी चैंपियन है, और ये एक नॉन टाइटल मैच रखेंगे भाई। जॉन सीना वर्सेस जिमी उसो वर्सेस एज, ये आज का मेन इवेंट है और एक्सट्रीम रूल्स मैच है। अच्छा, रोमन रेंस का ना स्टैमिना कम है, इसलिए रोमन को इस हफ्ते रेस्ट करवा रहा हूँ, ताकि समर स्लैम में भाई बिना ट्राइबल चीफ के समर स्लैम कैसे होगा। तो समर स्लैम के लिए तैयार रहना ट्राइबल चीफ। आज के स्मैकडाउन कंफर्म करने से पहले स्टेसी कीबलर और नेटालिया का जो मैच है ना टाइटल मैच, इसको अपन टेबल्स मैच भी कर सकते हैं। टेबल्स मैच में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, 5,000, और मैंने अच्छे पैसे में बुक कर लिया है शो। तो समर स्लैम से पहले लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने 88,000 में शो बुक कर लिया है, तब तक ठीक ठाक रेटिंग आई मैं काम चला लूंगा, पैसे ज्यादा कमाने हैं मुझे। तो फर्स्ट मैच को सिमुलेट किया जाए। तो ब्रॉक ने लास्ट वीक का बदला ले लिया, 2.5 ब्रॉक, और अच्छा रेटिंग दे सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों की दुश्मनी लेवल 2 पे चली गई है। वीर ने बेटे के बाद बाप को भी हरा दिया, 2-स्टार वीर क्या कर रहे हो, मेन इवेंट में रखा था वीर महान को, तब अच्छा खेला था वीर ने, आज 2-स्टार वीर। इस मैच में मुझे देखना है कि इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। नेटालिया ने टाइटल रिटेन के लिए 2.5 स्टार, चलो ये ठीक है, मिड कार्ड मैच के लिए ये रेटिंग सही है। तो जॉन सीना ने मेन इवेंट की डिमांड की थी, देखते हैं जॉन सीना कैसा परफॉर्म करते हैं मेन इवेंट में एज और जिमी उसो के साथ, और इस मैच को अपन स्पेक्टेट करेंगे। अच्छा, ये माय जीएम मोड में ना पहला मेरा ट्रिपल थ्रेट मैच है आप लोग का भी है जो हम लोग स्पेक्टेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा 1-on-1 या फिर टैग टीम मैच स्पेक्टेट किया है। ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखते हैं कैसा जाता है। एक्सट्रीम रूल्स मैच है, सबकी एंट्रेंस स्किप करो, 3-3 लोग आएंगे, उतनी एंट्रेंस नहीं देखती अपने को। एक्सट्रीम रूल्स मैच में सीना अच्छा परफॉर्म करना, लेकिन जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। तो एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एज है, और दूसरी तरफ ना सीना और जिमी उसो की दुश्मनी का लेवल 1 है, तो आई थिंक कि मैच अच्छा जाना चाहिए। देखते हैं, सीना बीच में नहीं जा रहे, सीना सामान लेके आओ, जब बीच में नहीं जा रहे हो तो क्या हो गया, कुछ वेपन ला सकते थे, सीना वेट कर रहे हैं, सबसे पहला वेपन कौन लाएगा, कमेंट करके प्रेडिक्शन बताओ। सीना ने बेयर हक लगा दिया है, मैं तो बोलता हूं भाई जिमी उसो को मिलके मारो एज और सीना, क्योंकि दोनों फेस सुपरस्टार है और जिमी हील है, लेकिन एज भाई कभी भी अचानक से फेस से हील, हील से फेस, एज बनते रहते हैं, तो एज का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे एज का भी जिमी उसो को मारना बनता है, क्योंकि जीएम मोड में याद है ना एज और रोमन रेंज की दुश्मनी चल रही है आईसी टाइटल के लिए, जिसका मैच भी होगा समर स्लैम में, तो एज को भी मारना चाहिए जिमी उसो को, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड लाइन का मेंबर है जिमी उसो। एज मैं बोल रहा हूँ टीम अप कर लो सीना के साथ, लेकिन एज टीम अप करने पर भरोसा नहीं करते, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को अपनी इज्जत बचानी है, एज के लिए इस मैच में जीतना ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि बाकी दोनों चैंपियन नहीं है, एज चैंपियन है स्मैकडाउन के। बस एज जो अभी बाहर आया ना, इसी टाइप से किसी का पिनफॉल या सबमिशन हो सकता है, तीसरा आदमी बाहर आ जाएगा स्टंड होकर, और फिर अंदर जो 2 बचे हुए हैं ना उनको उसके बाद मौका मिलेगा पिनफॉल या सबमिशन करवाने का, अभी तक किसी ने वेपन नहीं निकाला है, जबकि मैंने एक्सट्रीम रूल्स मैच इतने प्यार से रखा था। सीना देखो, सीना मेन इवेंट मांगा है सीना ने, तो सीना कैसे नहीं परफॉर्म करेंगे, वो भी डायरेक्ट हैमर से शुरुआत की है, वाह सीना हैमर निकालो, टेबल निकालो, एज को क्यों मारा, जिमी हाँ मेन दुश्मन सीना का जिमी उसो है, पिनफॉल हो रहा है लेकिन होगा नहीं, एक हैमर से कैसे हो जाएगा, सीना ब्लड लाइन का मेंबर है, भली टैग टीम टाइटल रियल लाइफ में हार गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक हथौड़ा खा के जिमी उसो का पिनफॉल हो जाएगा, वो भी मैच के स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा हेल्थ बाकी सब जिमी उसो की है, जिमी उसो भी एक हथौड़ा मार के पिनफॉल, सीना बहुत बढ़िया, सीना मेन इवेंट सीना ने मांगा है भाई, मेन इवेंट में परफॉर्म करेंगे, स्टील स्टेप्स आ रहा है सीना, इसी तरह ना रिंग के अंदर सामान भरते रहो, मैं बोलता हूँ आज रिकॉर्ड बनाओ सामान भरने का, कम से कम 6-7 सामान एक साथ रिंग में, अरे थोड़ा सा और अच्छे से पटकते ना तो स्टील स्टेप्स में पटक सकते थे सीना, लेकिन कोई बात नहीं, एज को बहुत मार पड़ रही है सीना, स्टील स्टेप्स किसी के मुंह पे बनता है, एज को लगने जा रहा था, पता नहीं लगे क्यों नहीं, एज ने डीडीटी लगाया है, सिग्नेचर अभी तक किसी के पास नहीं है, एज सबसे ज्यादा पिट गए, बॉडी ऑरेंज है, एज चैंपियन है और सबसे ज्यादा मार खाए हुए, ऐसे कैसे हो गया एज, ये देखो बाहर लेके जा रहे हैं एज और ये पावर बॉम्ब, बहुत बढ़िया एज, सही जा रहे हो अभी तक, सही जा रहे हो, लेकिन सीना के हाथ में एक बार फिर से हैमर, और सीना स्टाइल भी मार रहे हैं हैमर लेकर, सीना मुझे बोल रहे देखा मेन इवेंट बोला था तो मेन इवेंट अच्छे से देने का इरादा है, भले जीते कोई भी, एज पिनफॉल मतलब आज क्या हो रहा है, एक एक मूव मार के ये लोग पिनफॉल क्यों कर रहे हैं, कुछ सिग्नेचर फिनिशर लगाओ, जबरा टाइप का शॉट, उसके बाद फिर पिनफॉल सबमिशन करो, सीना जो भी मारने जा रहे थे क्लोज लाइन मिस कर गया,
जिमी ओसू के पास सिग्नेचर आने ही वाला है और एज के पास भी, लेकिन सीना के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं, क्योंकि सीना सामान लेने में ज्यादा बिजी है और सामान लेने से मोमेंटम नहीं बढ़ता है, सामान से मारने से बनता है। जिन्हें अपना सिग्नेचर लगा भी दिया, फिनिशर भी आ गया एज के पास। एज दिखा रहे हैं कि वो स्मैकडाउन की चैंपियन है भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक चैंपियन को, सबसे पहले सिग्नेचर लगाया है मैच में। वाह एज, जॉन सीना पिनफॉल एक हथौड़ा मार के सीधा, क्या कर रहे हो, वो भी एज के पास रेजिलेंस भी है, ट्राई करना भी नहीं बनता है। जिमी उसो ने अपना सिग्नेचर गवा दिया, इंस्टेंट रिकवरी करने के चक्कर में, लेकिन समोन ड्रॉप बढ़िया है। सीना और जिमी उसो की हेल्थ लगभग सेम ही है, जबकि जिमी उसो का सिग्नेचर पड़ा है। एक तो ट्रिपल थ्रेट मैच में ना स्पीयर, आरकीओ, ये सब बड़े डेडली मूव्स हैं, क्योंकि तुरंत लगेंगे और पिनफॉल हो जाएगा, और एज के पास स्पीयर ही है। अगर ढंग से एज स्पीयर का यूज करे आज, तो आराम से जीत सकते हैं ये ट्रिपल थ्रेट मैच। स्पीयर देंगे 1-2-3 तुरंत, तीसरे आदमी को मौका ही नहीं मिलेगा पिनफॉल छुड़ाने का। चलो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। फिलहाल जिमी उसो सबसे ज्यादा पिट गया है और जिमी के पास रेजिलेंस तक नहीं है, यानी कि जिमी का पिनफॉल हो सकता है सीना और एज से पहले। सीना ए की पोजीशन पे लेते आए हैं, लेकिन ए है नहीं सीना के पास, यानी फिनिशर नहीं है, और जो भी मारने जा रहे थे रिवर्स कर दिया है। एज के पास स्पीयर है, एज स्पीयर यूज कर सकते थे, लेकिन हैमर तो यूज नहीं कर पाया एज, लेकिन उल्टा क्लोज लाइन पड़ गया। वाह, और अब सीना ने उठाया हैमर। पिनफॉल मत करना सीना, इस बार फिनिशर लेकर आओ। जिमी नीचे, पता नहीं, अरे वॉइस ऑफ, स्पीयर लगा दिया, ये वी द वंस करते रह जाएगा। टाइम पे आया, बचा लिया। वैसे सीना का पिनफॉल नहीं होता, लेकिन रेजिलेंसी जा सकती थी। अब लग रहा है कि एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन स्मैकडाउन के। पहला सिग्नेचर लगाया जिमी उसो को, पहला फिनिशर लगाया जॉन सीना को, लेकिन सिग्नेचर फिनिशर लगाने से कोई जीतता नहीं ना एज, मतलब पिनफॉल करने से ही जीत सकते हो। सिग्नेचर फिनिशर कितना भी लगा लो, जब तक पिनफॉल या टैप आउट नहीं करवाते हो कोई फायदा नहीं है। सीना घूम फिर कर फिर हैमर। जॉन सीना मेन इवेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, अगर सीना ने बोला मेन इवेंट मैच दो तो सीना अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मुझे लग रहा है भले ही अभी फिनिशर एज ने दिया है, और सबसे अच्छा परफॉर्म अगर सिग्नेचर फिनिशर के हिसाब से देखें तो एज कर रहे हैं, लेकिन सीना मैच को एक्सट्रीम सीना ही बना रहे हैं भाई। जिमी, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा भाई, थोड़ा संभल कर रहा है, एज के पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों है, और जिमी का कभी भी पिनफॉल हो सकता है। पिट भी गया है जिमी उसो, फिनिशर के लिए जा रहे हैं एज, लेकिन जॉन सीना होश में है, एज स्पीयर लगाने जा रहे हैं, और खतरनाक एज स्पीयर पे स्पीयर, क्या बात है, लेकिन पिनफॉल नहीं होगा एज। एज ऐसे टाइम पे फिनिशर लगाओ ना जब तीसरा आदमी स्टंड, ओके ये अच्छा टाइम था, पिनफॉल कर सकते हैं सीना का, सीना की रेजिलेंसी जा सकती है। जिमी उसो होश में आ गया, लेकिन 1-2 सीना की रेजिलेंसी गई। एज नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, सही में लग रहा है कि एज एक इरादे के साथ आए हैं कि भाई चैंपियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मजा आ गया, ये देखो जिमी उसो क्या कर रहा है, लैडर सेट कर रहा है, बहुत अच्छा किया जिमी, मैच को और एक्सट्रीम कर, ये सब ठीक है जिमी, लेकिन हार मत जाना, सीना ने एससीएफ लगा दिया है, पर जिमी उसो सामने ही है। एज टैप आउट नहीं करेंगे, रेजिलेंसी जा सकती है। जिमी उसो पता नहीं कहां है, जिमी उसो एज को बचाने नहीं आ रहा है, एज ने बिना रेजिलेंसी के छुड़ाया है भाई साहब, एज को क्या हो गया आज। लग रहा है ये मैच देख करके एक्सट्रीम रूल्स मैच है, लैडर, हैमर, डंडा, टेबल भी साइड में कहीं पड़ा ही हुआ है, टेबल भी रिंग में लेते हो। सीना को हैमर से आज प्यार हो गया है, सीना ट्रिपल एच बन गए, इतना हैमर का यूज सीना। एच को मारो, पिनफॉल मत ही करवाना सीना, मुझे नहीं लगता होगा, रेजिलेंसी जा सकती है, पर एच का मोमेंटम बढ़ा रहे सीना पिनफॉल करके। पिनफॉल अगर होता नहीं है ना और सामने वाला किक आउट कर देता है तो उसका सिग्नेचर का मीटर बढ़ जाता है, तो गलती कर रहे सीना पिनफॉल करके। ऐसे टाइम पे करो जब लगे कि पिनफॉल हो, फालतू टाइम पे नहीं। अब सीना का भी पिनफॉल हो सकता है, अगर एज ने फिनिशर लगाया एज जीत जाएंगे ये ट्रिपल थ्रेट मैच। स्पीयर एज अगर जीतता है तो एज बहुत टाइम वेट कर रहे हैं, जिमी उसो स्ट्रांग था एज, आराम से जीत सकते थे अभी, अब तो नहीं जीत पाओगे क्योंकि जिमी उसो को भी होश आ गया है, बहुत अच्छा मौका मिला था एज को लेकिन मिस कर दिया। जिमी उसो आज अंदर आ जा, एक भी फिनिशर नहीं लगाया जिमी ने, सीना ने तो आई थिंक एक सिग्नेचर फिनिशर लगाया, जिमी पता नहीं क्या कर रहा है। जिमी रोमन आज लॉकर रूम में घुसने नहीं देंगे, याद रखना, समोन ड्रॉप, सिग्नेचर लेते आया जिमी ने, शायद नहीं आया नहीं अभी सिग्नेचर। एज के पास अभी भी स्पीयर है, गलत टाइम पे मत लगाना एज, ऐसे टाइम पे लगाना जब तीसरा आदमी कहीं स्टंड हो, अब लगा सकते हो, सीना को लगा सकते अभी। एज बहुत वेट कर रहे, बहुत ज्यादा वेट कर रहे, चलो ठीक है, जो मैटिक्स भी लगा दिया है, एक और स्पीयर आने वाला है एज के पास, पता है, लगता है जिमी उसको हारने वाला है,
और एज जीतने वाले हैं, एक स्पीयर लगेगा एज जीत जाएंगे। पिनफॉल जिमी यार क्या कर रहा है, एज का मोमेंटम ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं पिनफॉल कर करके, रेजिलेंसी तक नहीं गई एज की। चलो ठीक है, सीधा तैयार हो अंदर जाने के लिए, स्टील स्टेप्स लेके अंदर जा सकते हो। एज एक और स्पीयर फिर गलत टाइम पे, जब सीना को होश है, बहुत गलत टाइम पे एज, बहुत ही ज्यादा गलत टाइम। जिमी उसो को दो दो फिनिशर लगाया भाई एज ने, जिमी उसो बहुत ज्यादा पिट गया है। एज के स्पीयर में ना टाइमिंग का इश्यू हो जा रहा है, एज ने सिग्नेचर हो, एज के पास सिग्नेचर है नहीं, जॉन सीना के पास आने वाला है सिग्नेचर। अगर एक आध मूव रिवर्स कर दे तो एज फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं जॉन सीना और जिमी उसो दोनों को भाई। जिमी उसो वेट कर रहा है, जैसे ही मौका मिलेगा कुछ कांड करने के इरादे में जॉन सीना के आंख से खून निकल गया। देखते हो जॉन सीना मेरे मेन इवेंट के लिए क्या क्या करते हैं। एक और स्टील स्टेप्स आ रहा है, बहुत बढ़िया सीना, लेके आओ रिंग में, लेके आते ना दो दो स्टील स्टेप्स, अच्छा लगता, तोड़ फोड़ मचाओ मैच में। जिमी उसो फाइनली फिनिशर लगा दिया रिवर्स, कितनी किस्मत खराब है भाई जिमी की। जिमी ने पहला फिनिशर लगाया था उसो स्प्लैश, वो भी रिवर्स हो गया है, खतरनाक क्लोज लाइन। लेकिन जॉन सीना होश में, एज नीचे गए, सीना भी जीत सकते हैं, बढ़िया पावर बॉम्ब। सीना क्या कर, ओ पिनफॉल, डायरेक्ट पिनफॉल। जिमी उसो ने किक आउट नहीं किया, जॉन सीना मेन इवेंट की डिमांड की थी सीना ने और सीना जीत भी गए, कॉन्ग्रेचुलेशन सीना, बहुत बढ़िया। Here is your winner, John Cena. सीना मेन इवेंट में जीत गए, लेकिन रेटिंग क्या आई? एज ने बहुत अच्छा खेला, पर सीना देखो वही बात है ना, पिनफॉल जो करता है वही जीतता है, सीना जीत गए, रेटिंग अच्छी आ जाए मजा ही आ जाए। जल्द बताओ आज की रेटिंग क्या है, 3.5 स्टार, मतलब ठीक ही है। आज का तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रेटिंग आया इस मैच में, तो मेन इवेंट अच्छा ही गया, पर अब देखना है कि रॉ और एनएक्सटी क्या करता है। आज ये लोग देखो कितनी भी अच्छी रेटिंग लेते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन लास्ट वीक देखा था ना एनएक्सटी ने भाई सारे टाइटल मैच बुक कर दिए थे। इस हफ्ते देखते हैं दोनों क्या बदमाशी कर रहे हैं। रॉ से स्टार्ट होगा, रॉ की क्या रेटिंग आने वाली है, फर्स्ट मैच देखते हैं। 1, 2, ring the bell. रॉ में हमेशा अंडरटेकर ही जीतते हैं, 4 स्टार पहली मैच की रेटिंग। आज रॉ भी लगता है फुल मूड में, सेकंड मैच की क्या रेटिंग है। चलो गेम में तो दमिश जीत रहे, 2.5 स्टार। रॉ भी लगता है इस हफ्ते बैंड बजाने वाला है मेरी। थर्ड मैच में देखते हैं क्या हाल। 1, 2, it's over. निकी एश से एक बार फिर से हार चुकी है बेली, 3 स्टार मैच में आकर सब भाई। रॉ ने हालत खराब कर दी मेन इवेंट। रॉ के मेन इवेंट में शैंकी जीता 4 स्टार। भाई देखो रॉ तो रेटिंग में जीत गया है, वो तो होना ही था। एनएक्सटी देखते हैं क्या करता है। इनकी रेटिंग खराब हो जाए भाई मजा ही आ जाए, 3.5 स्टार। चलो ठीक है, 4 स्टार तो नहीं दिया कम से कम। एनएक्सटी ने इस हफ्ते भी टाइटल मैच बुक किया है, पता है। कम से कम इसी मैच की रेटिंग खराब चली जाए, 3 स्टार, अच्छा नहीं कर रहे हो एनएक्सटी। अब तीसरा और चौथा तो इनका टाइटल मैच है, ये तो लग रहा है कि अच्छा ही जाएगा। बेकी ने जीत कर टाइटल रिटेन कर लिया, 3 स्टार रेटिंग, ओके। फाइनल में तो और अच्छा लग रहा है कि इनका जाने वाला है। बिगी और आर्ट्रूथ ने टाइटल रिटेन कर लिया, मुझे पता ही था कि 4 स्टार होगा इनका। मेन इवेंट में टाइटल मैच जो रखा था, मेरी गुड बुकिंग है, रेटिंग में ऑब्वियसली स्मैकडाउन हार गया है, लेकिन फैंस किसने कितने कमाए यही ना मेन मैटर करता है। इस हफ्ते मेरे फैंस हैं 53,459, $70,000 भी मैंने कमाए साथ में। इतना अच्छा शो देने के बाद मेरे से सिर्फ 3 या लगभग 4,000 फैंस ज्यादा कमाए भाई रॉ ने, 57,000, और एनएक्सटी ने तो सिर्फ 5-600 फैंस मेरे से ज्यादा कमाए, 54,000 बस। मतलब इतना अच्छा शो देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, स्मैकडाउन नंबर 1 पे बहुत मार्जिन से। पहले इसका गोल कंप्लीट करने पे और सीजनल चैलेंज कंप्लीट करने पे 2 पावर कार्ड मिले हैं मुझे, बहुत बढ़िया। अभी देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, एनएक्सटी जो नंबर 2 पर है उसका फैंस है 15,67,000, मेरा 16,37,000, कहां, और वो भी समर स्लैम में एनएक्सटी की बैंड बजने वाली है। अरे भाई ये एनएक्सटी की जीएम एरिक बिशॉफ ने मुझे मैसेज किया कि मेरे साथ क्या कांड किया तुमने इस हफ्ते। ओ भाई, तो एरिक बिशॉफ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये करना पड़ा मुझे एरिक, और अगर तुम भी मेरी जगह होते, मेरे ऐसे जीएम होते, तो तुम भी यही करते। तो ठीक है, मुझे ये बोलना पड़ेगा, मैं खराब बात भी बोल सकता हूं लेकिन अच्छी बात बोल रहा हूं। एरिक बिशॉफ ने धमकी दे दी है कि मैं भी यही करता, और अब तो तुम ध्यान रखना अपने शो का, मतलब ये भी मेरे ऊपर कांड करेंगे। उमास फिर से गुस्सा हो गया, कितना गुस्सा होता है उमास। अच्छा उमास को मैच नहीं दे रहा हूं मैं कुछ हफ्तों से,
अरे ये जा रहा है उमास, चला गया भाई, ये समर स्लैम से पहले इसका मैच होने वाला था, लेवल टू की दुश्मनी थी उमास, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, तू समर स्लैम से पहले कांड कर दिया इसने मेरे साथ, धत इसकी लेवल टू की दुश्मनी थी रे और डोमिनिक के साथ, इसकी और वीर महान की, टैग टीम मैच अब कैसे होगा, उमास मुझे नजर आ जाए उसको हायर करके मैं अपने से फायर करूंगा, सेथ को फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच चाहिए, ठीक है दो हफ्तों के अंदर दे दूंगा सेथ। उमास ने जो समर स्लैम के दिन मेरे साथ भाई हरकत की है ना, कसम से बता नहीं सकता हूं, अब पता नहीं टैग टीम मैच का क्या करूंगा मैं, लेवल टू की दुश्मनी थी भाई, अच्छा खासा मैच जाता, एक और कोई ना हील जाइंट सुपरस्टार हायर करना होगा टैग टीम मैच के लिए, रे मिस्टेरियो मतलब पिछले ही हफ्ते रिकवर होके आए थे, बताओ समर स्लैम से पहले मैं खुश था कि रे रिकवर कर गए, अब देखते हैं कुछ करेंगे भाई। अच्छा रोस्टर में कौन कौन से सुपरस्टार अवेलेबल हो गए हैं उनको चेकआउट करते हैं, शायद कोई अच्छे सुपरस्टार मिल जाए, जाइंट है लेकिन यार गंथर 2,29,000 का है, कोई सस्ता जाइंट नहीं है, अरे डीजल है, डीजल 49,000 में बढ़िया है। तो अब नेक्स्ट जीएम मोड का एपिसोड खतरनाक होने वाला है क्योंकि समर स्लैम है, टेंशन टाइट है, डू और डाई का सिचुएशन है, या तो स्मैकडाउन नंबर 1 पे रहेगा या फिर नीचे आ जाएगा, तो समर स्लैम के एपिसोड जल्दी से जल्दी देखने के लिए भाई 15 के लाइक्स एकदम फटाक से कंप्लीट करो, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय।